नमस्कार, मेरा नाम है अंजना ओम मॉडिफाइड। जी हाँ, मॉरली मॉडिफाइड। एक मलिक के मुद्दे से सरकार फारिग हुई ही थी कि दूसरे मलिक का मुद्दा सामने आ गया है। बृजभूषण सिंह शरण की बात हो रही है, जो अब तक बीजेपी की शरण में बने हुए हैं। शरण ने बीजेपी पर न जाने कौन सा वशीकरण किया है कि यहाँ सड़क पर पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं और सरकार इस बात की पुष्टि कर रही है कि कुश्ती के मामले में वो सुस्ती ही दिखाएगी। सरकार के हिसाब से मीडिया को बृजभूषण पर अपना ध्यान न देते हुए कर्नाटक के नाटक पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर वो ऑपोजिशन से होते तो अब तक सरकार बृजभूषण की खाल में भूसन भर चुकी होती, लेकिन क्योंकि वो बीजेपी से है तो बृजभूषण को पद्म भूषण भी दिया जा सकता है। दरअसल सरकार के लिए अभी भी सबसे सटीक मुद्दा अतीक मुद्दा ही है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जंतर मंतर से बेटी हटाओ के नारे पर आ गई है। तो अंजनाओ मोदी फाइट कैसे हो गई? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार महिलाओं का मुद्दा है। लेकिन ऐसा जनाब इसलिए है क्योंकि इस बार सिर्फ महिलाओं का नहीं, पहलवान महिलाओं का मुद्दा है और लड़ाकू लोगों से मुझे खास हमदर्दी होती है। आपको अगर औरंगजेब और ताराशिको पे बहस नहीं करनी है तो आप बता देते। मैंने आपको टॉपिक बताया हुआ था, आप टॉपिक पे बोल नहीं रहे हैं। पूरी दुनिया का ज्ञान यहाँ बरसा रहे हैं, 5 मिनट आपने निकाल दिया बहस का।